सो हे गाइस वेलकम बैक। तो फिर से एक बार हम वापस आ चुके हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। एंड आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का फास्टेस्ट गोल्ड फार्म। एंड इस फार्म को बनाना भी यार बहुत इजी है। अगर आप इस फार्म को अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में बनाते हो ना, तो सेम उस वर्ल्ड में आपको फिर कभी भी गोल्ड की कमी तो नहीं होने वाली। तो काफी अच्छा फार्म है, सो लेट्स गो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें 15 ऑब्सीडियन ब्लॉक प्लेस करने हैं। इसके बाद गाइस हमें आ जाना है इस कॉर्नर पे। एंड यहाँ से गाइस हमें ऊपर की तरफ 14 ऑब्सीडियन ब्लॉक प्लेस करने हैं। फिर हमें दोनों ही कॉर्नर को कनेक्ट कर देना है। एंड ये अपना टोटल 15x15 का नेदर पोर्टल बन जाएगा। अभी गाइस अगर हम यहाँ पे इससे छोटा नेदर पोर्टल बनाते हैं, तो उससे बेसिकली ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंस भी कम स्पॉन होंगे एंड इससे अपने गोल्ड फार्म की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमें एटलीस्ट 15x15 का नेदर पोर्टल तो बनाना ही है। पोर्टल बनने के बाद गाइस अभी हमें आ जाना है पोर्टल के किसी भी कॉर्नर पे। यहाँ पे गाइस हमें कुछ इस तरह से एक ब्लॉक प्लेस करना है एंड फिर इस ब्लॉक के ऊपर हमें एक डिस्पेंसर प्लेस करना है। डिस्पेंसर का फेस पोर्टल की तरफ होना चाहिए। इसके बाद यार हमें इस ब्लॉक के पीछे दो और ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। फिर इस ब्लॉक के ऊपर हमें एक ऑब्जर्वर प्लेस करना है। ऑब्जर्वर का फेस डिस्पेंसर की तरफ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमें एक और ऑब्जर्वर प्लेस करना है। इस ऑब्जर्वर का फेस डिस्पेंसर के ऑपोजिट साइड होना चाहिए। इसके बाद हमें इस डिस्पेंसर पे वाटर बकेट प्लेस करना है एंड इससे ये डिस्पेंसर ऑटोमेटिकली वाटर डिस्पेंस करता रहेगा। अभी गाइस हमें चाहिए एक फ्लिंट एंड स्टील एंड इससे हमें इस पोर्टल को 2-3 बार एक्टिवेट करना है। अभी यहाँ पे तो यार एक ही बार में अपना ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन स्पॉन हो गया, बट कभी कभार ना फर्स्ट टाइम में पिगलिन स्पॉन नहीं होता है। तो अगर स्पॉन नहीं होता है तो यहाँ पे हमें 2-3 बार ट्राई करना है। जैसे ही अपना फर्स्ट पिगलिन स्पॉन होता है तो यहाँ पे हमें नोटिस करना है पिगलिन पोर्टल के किस साइड में स्पॉन हुआ है। यहाँ पे अपना पिगलिन पोर्टल के ऑपोजिट साइड स्पॉन हुआ है। तो अभी हमें इस गोल्ड फार्म का पूरा सिस्टम इस तरफ बनाना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमें डिस्पेंसर्स एंड ऑब्जर्वर्स को हटा देना है। इसके बाद गाइस इस साइड में हमें कुछ इस तरह से 3 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। फिर इस ब्लॉक के ऊपर हमें एक ऑब्जर्वर प्लेस करना है। ऑब्जर्वर का फेस इस तरफ होना चाहिए। अभी इस ऑब्जर्वर के सामने हमें 2 और ऑब्जर्वर्स प्लेस करने हैं। फिर यहाँ पे हमें एक ब्लॉक प्लेस करना है जिसके साइड में हमें कुछ इस तरह से एक डिस्पेंसर प्लेस कर देना है। डिस्पेंसर का फेस पोर्टल के साइड होना चाहिए। इसके बाद हमें इस डिस्पेंसर पे एक वाटर बकेट प्लेस करना है। अभी इस ब्लॉक के साइड में हमें 2 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। फिर यहाँ से हमें 4 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। बाय द वे यहाँ पे आप वुडन ब्लॉक्स के अलावा कोई सा भी ब्लॉक यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें इन ब्लॉक्स के ऊपर से वापस से एक लेयर ब्लॉक प्लेस कर देना है। फिर यहाँ से हमें 3 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। इसके बाद यार हमें चाहिए 3 ट्रैप डोर्स। तो यहाँ पे हमें 3 ट्रैप डोर प्लेस करना है एंड फिर इनको ओपन कर देना है। फाइनली यार हमें चाहिए एक लावा बकेट। तो इस कॉर्नर पे लावा प्लेस करते ही अपना नेदर पोर्टल ऑटोमेटिकली एक्टिव एंड डीएक्टिव होगा। एंड यहाँ पे अभी ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंस भी स्पॉन हो रहे हैं, यानी कि अपना फार्म बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है। तो अभी गाइस हमें बनाना है इस फार्म के लिए किलिंग चेंबर एंड कलेक्शन सिस्टम। तो इसके लिए गाइस यहाँ से हमें लावा एंड डिस्पेंसर से वाटर बकेट को हटाना है। अभी कलेक्शन सिस्टम बनाने के लिए पोर्टल के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमें 1 ब्लॉक माइन कर लेना है। फिर स्टार्टिंग वाले ब्लॉक पे हमें 1 बकेट वाटर प्लेस करना है एंड देखना है यहाँ से वाटर कहाँ तक फ्लो रहा है। तो यहाँ से गाइस हमें फिर से 1 ब्लॉक करके एंड तक माइन कर लेना है। अभी वैसे तो गाइस यहाँ से पिगलिंस भाग नहीं सकते, बट अगर यहाँ पे एक साथ ज्यादा पिगलिंस स्पॉन हो जाते हैं तो मे बी उस टाइम पिगलिंस यहाँ से बाहर आ सकते हैं। तो इसके लिए गाइस हमें इस जगह को ग्लास पेन से कवर कर देना है। इसके बाद यार हमें बनाना है किलिंग चेंबर। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक साइन प्लेस करना है। फिर यहाँ से हमें 3 ब्लॉक्स नीचे माइन करना है एंड किलिंग चेंबर बनाने के लिए इस एरिया को थोड़ा सा खाली कर लेना है। अभी किलिंग चेंबर एंड कलेक्शन सिस्टम बनाना भी यार बहुत ईजी है। अगर आप चाहे तो इस फार्म के लिए एक ऑटोमेटिक ट्राइडेंट किलर भी बना सकते हो, बट फिलहाल मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा किलिंग चेंबर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से गाइस अपने ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंस नीचे गिरेंगे। तो इस जगह पे हमें 2 ब्लॉक्स माइन करना है एंड यहाँ पे हमें 2 चेस्ट प्लेस कर देने हैं। इसके बाद यार हमें क्राउच होकर इस चेस्ट के साथ एक हॉपर कनेक्ट कर देना है। हॉपर बिल्कुल इस खाली जगह के नीचे होना चाहिए। अभी यार हमें इस हॉपर के दोनों ही साइड में 2 ग्लास ब्लॉक्स प्लेस करने हैं एंड पीछे से भी हमें इस हॉपर को ग्लास ब्लॉक से कवर कर देना है। फाइनली इस हॉपर के ऊपर हमें एक स्लैब प्लेस करना है एंड यहाँ पे अपना किलिंग चेंबर एंड कलेक्शन सिस्टम भी रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा रिकमेंडेशन, इस फार्म से हमें टोटल 4 आइटम्स मिलते हैं। एक्चुअली 4 भी नहीं 5 आइटम्स मिलते हैं। पहला है अपना गोल्ड इनगट, फिर गोल्ड चंक्स, गोल्डन स्वॉर्ड, रॉटन फ्लेश एंड इसी के साथ एक्सपीस भी। तो बेसिकली गोल्डन स्वॉर्ड्स मिलने की वजह से अपने इस फार्म का चेस्ट बहुत जल्दी फुल हो जाता है। यहाँ पे आप कितने भी चेस्ट लगा लो बट ये बहुत जल्दी फुल हो जाएगा। अभी बार बार चेस्ट को खाली करना तो पॉसिबल नहीं है एंड ये प्रॉब्लम मुझे अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में भी होता था। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको मेक श्योर इस फार्म में एक ऑटोमेटिक शॉर्टिंग सिस्टम बनाना है। शॉर्टिंग सिस्टम को बनाना भी यार बहुत इजी है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वीडियो का लिंक आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। एक सिंपल सा शॉर्टिंग सिस्टम बनाने से इस फार्म का एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए वापस से लावा प्लेस करते हैं, लेट्स सी कि अपना ये गोल्ड फार्म सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने मुश्किल से कुछ ही मिनट ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंस को किल किया है एंड हमें ऑलरेडी 11 गोल्ड इनगट, 76 गोल्ड चंक्स एंड कुछ रॉटन फ्लेश भी मिल चुके हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था काफी अच्छा फार्म है, बस यहाँ पे आपको एक ऑटोमेटिक शॉर्टिंग सिस्टम बनाना है।
तो आई होप कि गाइस आप सभी को आज के वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो से अगर थोड़ा भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल के ऊपर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो। इसी तरह के गेमिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मैं आप सभी से मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।